मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते बियॉन्ड वर्ड्स बियॉन्ड एक्शन बियॉन्ड फीलिंग्स नो इन योर कोर दैट यू आर लव मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से लेक्चर नंबर फोर्टी सेवेंथ पे डिस्कशन करेंगे जिसमें हम गुप्ता पीरियड का फोर्थ पार्ट यहाँ डिस्कस करने वाले और इस फोर्थ पार्ट में हम लोग गोल्डन एज जो माना जाता है गुप्ता पीरियड को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि ये सच में गोल्डन एज है या नहीं सो so यहाँ पे हम ये आपका जो डाउट है ये दूर करेंगे कि ये सच में गोल्डन एज है या नहीं मैं इसमें आपको रियलिटी भी बताऊंगा और मिथ भी बताऊंगा आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लगता है मैं आपको दोनों पॉइंट्स बताऊंगा अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप दोनों पॉइंट्स में से आपका जो भी व्यू होगा वो आप दे सकते हैं तो यहाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा इन चीज़ों को लेकर अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आई दिया है ये मेरा इंस्टाग्राम आई है ये मेरा फेसबुक पेज है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है सो so, इसे गोल्डन एज कहा जाना गुप्ता एज को इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है ये दो चीजों पे हम गौर करने वाले हैं आज और गुप्ता पीरियड क्या सच में इतना गोल्डन एज था या नहीं ये हम आज इस क्वेश्चन पे आज हम अपना विचार हमारे व्यूज बना लेंगे तो आइए सबसे पहले रियलिटी की ओर बढ़ते हैं कि सच में इसे कहा जाता है या नहीं और कहा अगर जाता है तो क्यों कहा जाता है तो सच्चाई क्या थी ये देख लेते हैं सबसे पहले यानी ये जो होगा रियलिटी ये गोल्डन एज के तरफ से जो आपको आ, 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 आंसर लिखना है उसके लिए होगा सो so ये अभी जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा ये गोल्डन एज है ये चीज़ प्रूव करेगा और आगे मैं मिथ में जितने पॉइंट्स बताऊंगा वो गोल्डन एज नहीं है ये प्रूव करेगा ओके सो आए ये देखते हैं कि क्यों इसे गोल्डन एज माना जाता है गोल्डन एज इसलिए माना जाना है सबसे पहला उसका जो रीजन है वो है कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ फॉरन रूल अगर हम गुप्ता एज की बात करें तो गुप्ता एज में अगर देखा जाए तो अगर हमने मैप भी देखे अब गुप्ता एज के टाइम पे तो गुप्ता एज के टाइम जो फॉरन इन्वेडर्स थे जो फॉरन रूलर्स थे वो एक तरह से आना बंद हो चुके थे इंडिया में ठीक है यहाँ से बाद में हून जो थे वो यहाँ पे अटैक करने लगे बट फॉरन रूल यहाँ से पूरी तरह हटा दिया गया था अगर देखा गया तो, तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव सी बात हुई थी गुप्ता एज में है ना तो जितना पहले फॉरन रूल दिखता था उतना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था अभी और ये एक पॉजिटिव बात मानी जाती है तो कंप्लीटली रिमूव कर दिया था इन लोगों ने फॉरन रूल को अब यहाँ पे आजू बाजू जितने भी लोग दिख रहे थे पूरे इंडियन रूलर्स ही थे सो ये एक चीज होती है और यह चीज होने के कारण पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी हुई रही पूरे देश में यानी जितना आ, पीस तब तक बना रहेगा जब तक फॉरेन इन्वेडर्स कम हो जाएंगे फॉरेन इन्वेडर्स कम आ रहे थे इसलिए शांति बनी हुई थी एक दूसरे के साथ बहुत सारी यहाँ पे इन लोगों ने जो भी अलायंस बनाए थे जो भी चीज़ें हुई वो सब चीज़ों के कारण पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रही उसके बाद पॉलिटिकल यूनिट्स भी काफ़ी सारे थे पॉलिटिकल यूनिट्स इतने होने के कारण लोगों को बहुत यानी किंगडम में भी रूलर्स जो थे उन्हें भी बहुत आसानी से रूल करने मिलता था तो पॉलिटिकल यूनिट्स इन्होंने जो सेटअप किए थे इनका जो भी पॉलिटिकल आ, या फिर हम कहेंगे कि जितने भी दरबार में मिनिस्टर्स हो गए या फिर जितने भी यूनिट्स हो गए बहुत ही परफेक्टली उन्होंने बनाए हुए थे गुप्ताज ने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात थी तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आपको ये साबित करा सकता है कि यह गोल्डन एज गुप्ता एज को गोल्डन एज कह सकते हैं अगला पॉइंट देखते हैं जो इसे कह सकता है वो ये है कि एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो कैरेक्टर था वो काफी एक अच्छा कैरेक्टर दिख रहा था गवर्नमेंट में गवर्नमेंट ने गवर्नेंस का, का काफी अच्छा ध्यान रखा हुआ था जो टैक्सेस थे वो काफी कम लिए जाते थे और जितना भी टैक्सेस का पैसा भी आता था वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही यूज होता था लोगों के कल्याण के लिए यूज होता था टैक्सेस तो काफी कम रखे थे जिससे नॉर्मल इंसान भी अफोर्ड कर सके ऑलरेडी हम इसे देख चुके टैक्सेस कितने थे और पनिशमेंट जो थी वो काफी माइल्ड थी बहुत ही हार्श ऐसी पनिशमेंट नहीं नहीं दी जाती थी एक सबक सिखाया जाए इसीलिए पनिशमेंट दी जाती थी ताकि वो इंसान फिर से ऐसी गलती गलती ना करे और वो सुधर जाए तो बहुत एक अच्छा बर्ताव दिख रहा था या गवर्नमेंट की तरफ से इसीलिए भी हम इसे गोल्डन एज कह सकते हैं ये आपका सेकंड पॉइंट बनता है अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ थर्ड पॉइंट ये है कि टॉलरेंस टू ऑल अदर रिलीजन हालांकि जो गुप्ता लोग थे उनके वक्त हिंदुइज़्म जो था ये इसका रिवाइवल हो गया था ये वैष्णवाइट थे मैं आपको ऑलरेडी ये बता भी चुका हूँ ये विष्णु जी को मानते थे और उनके जितने अवतार हैं उनको मानते थे हिंदुइज्म के तरफ काफी ये आ... अट्रैक्टेड थे और हिंदुइज़म को ही ये लोग मानते थे बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जितने भी रिलीजन है इनको यहाँ पे कोई जगह नहीं दी जाती थी सो so, यहाँ पे हर रिलीजन को आप अप अपनी एक जगह थी हर रिलीजन के लिए टॉलरेंस था जैसे कि मैंने ये भी बताया कि इनके टाइम पर आपको देखोगे तो बुद्धिज़्म का भी काफ़ी विकास किया गया इनके टाइम पे तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चली बाकी रिलीजन जो थे उनको भी यहाँ पे टॉलरेंस मिला था हिंदुज़म होने के साथ साथ सो so, ये एक और पॉजिटिव चीज़ है जो हमें देखने मिलती है जो ये प्रूव करती है कि ये गुप्ता पीरियड जो था ये एक गोल्डन एज था अगला जो हमें पॉइंट देखने मिलता है वो है डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत संस्कृत भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है आप देखते हैं साहित्य हो है, लिटरेचर हो या जो भी चीज़ें हो आर्ट या लिटरेचर हो ये सब चीज़ों में संस्कृत का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है इंडिया में ही डेवलप हुई है लैंग्वेज इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका डेवलपमेंट काफी अच्छे से हो इसका विकास अच्छा हुआ था संस्कृत का संस्कृत में काफ़ी सारे लिटरेचर लिखे गए साहित्य लिखे गए इसमें आर्ट जो थे ये भी आर्ट फॉर्म में भी संस्कृत

या कहेंगे हम एस्ट्रोनॉमर जो थे आर्यभट्ट ये भी इन्हीं के टाइम पे थे उनके साथ साथ अमर सिंह हो गए वराहम मिरा हो गए ये सब जो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है जो इंडिया में बहुत ही महान लोग माने जाते हैं ये पूरे गुप्ता एज के तरफ गुप्ता एज के जो टाइम था उसी में ये डेवलप कर गए सो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गुप्ता एज को फिर से गोल्डन एज बनाती है सो इतने जो पॉइंट्स है ये ये प्रूव करती है कि गुप्ता एज जो है ये एक तरह से गोल्डन एज माना जा सकता है अब हमें ये देखना है कि इसके खिलाफ़ कौन से पॉइंट्स जाते हैं जो इसे पूरी तरह से अपोज करता है कि गुप्ता एज गोल्डन एज नहीं कह सकते सो आइए देखते हैं ऐसे पॉइंट्स सो गुप्ता एज एज को गोल्डन कहना एक एक मिथ है ये अफवाह है ऐसा क्यों कहा गया है क्योंकि सबसे पहला पॉइंट यह कि नो सेंट्रल आर्मी गुप्ता एज के टाइम पे कोई सेंट्रल आर्मी हमें दिखती नहीं थी बहुत बड़ी कोई सेंट्रल आर्मी नहीं थी किंग ने क्या किया हुआ था तो जो भी किंगडम था फॉर एग्जाम्पल ये किंगडम है तो किंगडम को अलग अलग जो फ्यूडल फ्यूडेटरीज है या फिर फ्यूडल सिस्टम यहाँ पे लाया गया था यहाँ पे अगर किंग बैठा है तो इन्होंने बांट के रखे अपने पूरे राज्य को एक दो तीन इस तरह से अगर बांटे हुए हैं सो हर एक जगह पे इन्होंने रखे हुए हैं एक एक फ्यूडल लॉर्ड या फिर ये जागीरदार आप जैसे कहते हैं उस तरह से और सबको आप अप अपना जो ए, एरिया है वो संभालने के लिए कहा गया था आर्मी सो ये कभी कभी ये लोग भी किंग के खिलाफ जा सकते थे ये बहुत बड़ा एक पॉइंट था और ये लोग अपने लोगों को अगर किंग चाहे भी कि अच्छा बर्ताव करे तो ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि एक तरह से आ, अपने ही मनमानी चलाते थे सो ये सेंट्रल आर्मी अच्छा काम नहीं होने के कारण अच्छा कोई काम हो नहीं रहा था और प्रोटेक्शन भी उतना परफेक्ट नहीं था अगर पूरी सेंट्रल आर्मी रही तो कोई भी फॉरन इन्वेजन हुआ या फिर किसी ने भी अटैक किया तो यहाँ पर ये लोग आपस में ही लड़ते रहे और हमेशा अपना एम यही बना के रखा इन लोगों ने कि ये यहाँ पर बैठेंगे यहाँ किंग के जगह पर जाके तो ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है ना ही जो ब्यूरोक्रेसी है यानी जो भी ऑफिसर्स है ये भी सेंट्रल में नहीं दिखते हैं ये भी एक एक यूनिट में रखे गए थे तो ये ठीक नहीं होगा इस पॉइंट के कारण गोल्डन है जो ये कहना क्योंकि इनका सिस्टम जो है आर्मी का सिस्टम हो या ब्यूरोक्रेसी का है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिख नहीं रहा था ओके okay, सो so ये फर्स्ट पॉइंट होता है जो इसे मिथ बताता है उसके बाद जो हम अगला पॉइंट देखेंगे जो कि ये बताता है कि गुप्ता एज को गोल्डन एज कहना ये बहुत बड़ा एक धोखा होगा सो वो है फ्यूडल एलिमेंट्स फ्यूडल एलिमेंट जिसको हम सामंत व्यवस्था भी कह सकते हैं तो ये सामंत लोग थे जिनको अलग अलग जगह पे लैंड पे रखा गया था फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये अगर किंगडम है सो इसको अलग 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 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और एक एक जगह पे एक एक फ्यूडल लॉर्ड रखा गया था सो ये जो फ्यूडल रखे रखे जाते थे ये बिल्कुल ही किंग के अकॉर्डिंग अगर किंग चाहता है कि अच्छे से काम हो लोगों के कल्याण के लिए काम हो लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो तो ये जो फ्यूडल लोग थे ये ऐसा नहीं करते थे ये अपना ही बेनिफिट देखते थे और लोगों को बहुत एक्सप्लॉयट करते थे सो फ्यूडल एलिमेंट्स तो अच्छे से काम नहीं करते थे तो और इस चीज के कारण क्या हो गया कि लैंड ग्रांट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए तो ये लोगों को ये लोग जो भी काम करते थे इसके बदले इन्हें जमीन दिया जाता था तो ये जमीन देना बहुत ज्यादा बढ़ गया और किंगडम इस तरह से वीक होते गया इवन ये लोग भी अप अपने लोगों को अपने अपने जो भी डिपेंडेंट लोग हैं उनको भी ये लैंड ग्रांट कर देते थे जो लैंड इनको मिली है और ये चीजों के चलते सब चीजें बढ़ रही थी तो सर्व डर्म्स था ये भी बढ़ रहा था एक तरह से ये लोग

तो ये जो इंसान है फॉर एग्जाम्पल इसने एक को दिया है या चार लोगों को दिया है तो ये लोग तो बिल्कुल अपना ही बेनिफिट देखेंगे ये फ्यूडल लॉर्ड जैसा बोल रहा है वो करेंगे बट ये लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रखेंगे इवन फ्यूडल लॉर्ड को भी यहाँ पे अंदाजा नहीं होगा कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं सब आप अपने बेनिफिट के लिए काम करने लगे और ये चीज़ें बहुत बुरी साबित हुई आम पब्लिक के लिए आम जनता के लिए जो कि इस पॉइंट को गलत बताता है कि ये गुप्ता एज गोल्डन एज कहने जैसा है सेकेंड जो पॉइंट है अगला जो पॉइंट है वो हम ये देखते हैं थर्ड पॉइंट की डिक्लाइन ऑफ ट्रेड जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हम गुप्ता एज को पढ़ रहे थे उसके सोसाइटी ट्रेड इकोनॉमी ये सब जब चीज़ें पढ़ी तो हमने ये देखा था कि जो ट्रेड था वो उसका बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन हुआ था यानी जो व्यापार था वो बहुत ही नीचे चले गया था गुप्ता एज में व्यापार बहुत कम हो चुका था

उनके वक्त बहुत लिमिटेड ग्रोथ हुई अर्बन सेंटर्स की अर्बन सेंटर्स के लिमिटेड ग्रोथ होने के कारण अर्बन सेंटर्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने लग गए यानी अगर हम देखते हैं तो शहरीकरण शहरीकरण यानी इन्होंने विकास पर ध्यान ही नहीं दिया ज़्यादा इस चीज़ों के और ये बहुत रूरल तरफ जाते चल रहे थे जो कि एक डेवलपमेंट से ज़्यादा एक पीछे जाते हुए ये दिख रहे थे सो ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं मानी जाती अगर हम इसे गोल्डन एज कहे तो ये एक मिथ होगा इसे गोल्डन एज कहना ये एक अफवाह मानी जाएगी उसके बाद जो अगला पॉइंट है जो ये प्रूव करता है कि गोल्डन एज नहीं कह सकते वो है वर्ण डिस्टिंक्शन जैसे कि आप जानते हैं कि चार वर्ण में बांटा गया था पहले से सोसाइटी को एक है ब्राह्मण उसके बाद क्षत्रिय उसके बाद वैश्य उसके बाद शूद्र अगर हम देखेंगे तो डिस्टिंक्शन है इनके बीच की जो गैप थी ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही थी फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही बढ़िया बड़ा महान बनते जा रहा था कोई वर्ण का तो कोई बहुत ही जिसका जिनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और ये बहुत ही उनका जो स्टेटस था वो घटते जा रहा था जिन चीजों के कारण उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे सो ये वर्नर डिस्टिंगशन यहाँ जो बढ़ रहा था ये काफ़ी अच्छी चीज़ साबित नहीं हुई बहुत बुरी चीज़ साबित हुई और सोशल डिसऑर्डर इसके कारण हो गया था तो ये चीज अगर जहां पे है उस सोसाइटी को हम गोल्डन एज तो नहीं कह सकते तो एक और पॉइंट हमें मिल गया और आखिरी पॉइंट जो हमें देखने मिलता है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम सोसाइटी पढ़ रहे थे गुप्ता एज की कि वुमेन का जो स्टेटस था वो बहुत बुरी तरह डिक्लाइन हुआ था वुमेन इस वक्त तो वुमेन का स्टेटस इतना डिक्लाइन हो गया था कि प्री प्यूबर्टी

नेगेटिव चीज़ है जो कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज नहीं बताती है सो so, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों गुप्ता एज को गोल्डन एज नहीं कहा जाएगा क्या पॉइंट्स हैं और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों उसे गोल्डन एज कहा जाएगा नाउ इट्स अप टू यू आपको डिसाइड करना है आपको क्या लगता है क्या यह गोल्डन एज है या नहीं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप अभी पॉइंट्स मैंने दोनों बता दिए आप इजिली इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं सो यहाँ पे हमारा गुप्ता एज जो था ये खत्म होता है सो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर जो एक टॉपिक है मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता

गुप्ता ए पीरियड का आखिरी लेक्चर सो so, इस अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें शेयर करो सब्सक्राइब करना ना मेरे भूले मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप और अपडेट्स चाहते हो तो फॉलो लाइक करें मेरे फेसबुक पेजेस को श्रेष बड़े श्रेष बड़े इंटरप्रिटेशन ये मेरे फेसबुक पेजेस के नाम है अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें श्रेष बड़े द पीस लो मेरे इंस्टाग्राम आईडी अगर मेल करना चाहे तो आप श्रेष बड़े जी मेल डॉट कॉम पे मुझे मेल भी कर सकते हैं तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो